हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी जो है वो बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ UPSI यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो जैसा कि आप पहले सुन चुके होंगे किसी न्यूज़ में या वीडियो में कि उसका जो एग्ज़ाम था वो 20 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है कि 20 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपका जो UPSI का एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के लास्ट से आपका स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम वो चलेगा। मैं इसी टॉपिक पर आज आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होता तो आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए था और अच्छे नंबरों से आपको पास होना चाहिए था। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अब भी थोड़ी बहुत कम है तो आपको एक महीने का जो टाइम है वो और मिल गया है, आप उसके अंदर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि इसके अंदर पहले ही बताया जा चुका है कि सब सेक्शन के अंदर आपको 40-40 जो है क्वेश्चन आएंगे और उसके अंदर से आपको 14 यानी कि 14 क्वेश्चन ठीक करने जरूरी होंगे। अगर आप इसके अंदर मान लो 400 में से 350 नंबर ले आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का है और आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर 14 सवाल ठीक नहीं हो पाते हैं, 13 सवाल आपके ठीक हो पाते हैं, तो आप इसके अंदर डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, आप इसके अंदर क्वालिफाइड नहीं होंगे। भले ही आपके मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से कितना भी ऊपर हो, लेकिन आप अगर सभी सेक्शन के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप इसके अंदर आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। तो आपको सभी के अंदर 14 सवाल ठीक करने जरूरी हैं और ओवरऑल आपका जो मार्क्स हैं वो 200 से ऊपर होना चाहिए, तभी आपका फ़ायदा। अगर 200 से नीचे है, अगर आप पास हैं तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिल पाएगी। 200 से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए यानी कि आप 50% जो है एग्ज़ाम वो आपका ठीक होना चाहिए। इसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज की बात यह है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो इसका पेपर था पिछले साल, जो पेपर हुआ था पिछले साल नहीं, जो पिछली बार पेपर हुआ था वो पेपर काफ़ी लेंथी था और 2 घंटे के अंदर उसको ऑनलाइन में, अगर वो ऑनलाइन होता है तो 2 घंटे में उस एग्ज़ाम को पूरा सॉल्व करना अच्छे से मुमकिन नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो ऑफलाइन हुआ था तो मुमकिन था, लेकिन इस बार इन्होंने कहा है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो जाहिर है कि जो क्वेश्चन है उनकी जो लेंथ है वो छोटी होगी और आप इजीली बना पाएंगे, लेकिन आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, GK हो, मूल विधि हो, संविधान हो या फिर हिंदी हो, आपको उसके अंदर से सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे, क्योंकि सारा सिलेबस डाल दिया है हिंदी के अंदर, साहित्य का इतिहास वगैरह भी डाल दिया है, इतिहास से भी क्वेश्चन आएंगे कि हिंदी कहाँ से ली गई है, कौन सी भाषा से ली गई है, सब इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आपके 280-300 के आसपास या 300 पार मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिर भी एक सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आपके 280 से 270 से मार्क्स अगर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में घर पर, तो आपको अभी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की न्यूज़ से आप पल पल अपडेट रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।